वालेकुम, क्या हाल है? सब बहन भाई खैरियत में हैं? और सुनाए क्या हो रहा है? तो आप सबको वेलकम करते हैं बाबा एंड मलिक साहब ब्लॉग्स में। और आप बताएं, कमेंट में बताया करें हम लोगों को कि आप कैसे हैं, खैरियत में हैं, और रबी अव्वल की क्या तैयारी की आप लोगों ने। तो आज का ब्लॉग हम शुरू करेंगे, बल्कि शुरू तो कर दिया बाबा। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाबा एंड मलिक साहब ब्लॉग्स में। तो ऐसा है बाबा, आज कहाँ लेकर आ गए हो ये मुझे, किस जगह पे ले आए हो, कैसे कैसे मनाजिर दिखा रहे हो अभी? आज हम कराची के इलाके में ही हैं और बड़े खूबसूरत इलाके में आए। हर साल ये पुरनूर सजा जाता है। मैं तो देख रहा हूँ, और अलग ही रौनक है। आए हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। हम मौजूद हैं कराची की खूबसूरत मस्जिद कंजुल ईमान पर। ये हर साल बेहतरीन सजावट होती है बाबा यहाँ। हर साल की यही खूबसूरती है। तो ये सही किया कि आपने इन लोगों को भी, सबको आपने दिखाने के लिए काविश की है। तो ये सारे देखेंगे, अभी आपको मनाजिर दिखाते हैं और भी, ठीक है? जब आप यहाँ मस्जिद देखने आएंगे तो आपको सारी चीज़ें भी यहाँ पे मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे बैजेस भी मिलेंगे, नालने पाक भी मिलेगा आपको, परचम भी मिलेंगे आपको, इमामा शरीफ भी मिलेगा, और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इतर के से रिलेटेड आपको हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी। आप बताना तो भूल गए कि इतर की बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है यहाँ पर। कमाल आज कैसे आप यहाँ आना हुआ यार? ये मस्जिद है, सजी हुई, मैं रुक गया हूँ, थोड़ा परफ्यूम लिए हैं, कोई झंडे लिए हैं, कोई ये लिए हैं, हमारा रबी अव्वल आ रही है। और देखो बड़ा प्यारा सजाया हुआ है बिल्डिंग, माशाल्लाह। वो तो सजता है हर साल की तरह, इस साल भी सजाया है। आप हर साल आते हैं? हाँ, मैं हर साल नहीं, मैं आता हूँ, देखता हूँ ये, और ये क्या कहते हैं, इस दफ़ा रेट कैसे हैं आपको मिले? अभी रेट आई है उससे 100 गुना ज़्यादा है। व्यूअर्स ये कह रहे हैं रेट आसमानों पर हैं, आसमानों पर रेट हैं, और इसमें रुझान ज़्यादा, पूरे कराची लोग ही आते हैं। अभी आपने कुछ लिया या नहीं लिया? नहीं, मैं लेने गया था, बड़ा महंगा था, साइड पड़ गया, मैं कुछ नहीं ले सके, मायूस हो गया मैं भाई। चले कोई नहीं, हमारे असलान भाई हमसे आपकी बात कराते हैं, इंशाल्लाह वो आपको अच्छे रेट पर दे देंगे, क्योंकि हमारे ब्लॉग देख के आप आएँ तो इंशाल्लाह ये अच्छा कंसेशन। नहीं नहीं, बिल्कुल देख के ये बड़ा मायूस हुआ मैं इस दफ़ा, इस साल, और बड़ा महंगे हैं झंडे वंडे, बैज वेज रेट ज़्यादा हैं, रेट ज़्यादा है। चले आए बात करते हैं जी भाई। अब्दुल समद भाई के स्टॉल पे हम आए। समद भाई, बेजिस का क्या दिया इसका? ये दिया गया, ये तबरुक क्या है, कितना का मुझे बताएं? 60 रुपये का। 60 रुपये दिए इसका, और इस पेज का 250 रुपये दिया इसका। ये 300 का दिया है, ये 300 का दिया है, बहुत महंगा हो गया। पहले मैंने लिया था यार, सस्ता था, पिछले साल भाई कह रहे हैं रेट कम थे, इस साल भी ज़्यादा। असल में अब आपको बताया कि हर चीज़ के रेट बढ़ते जा रहे हैं, और हमें पीछे से महंगा आते तो यहाँ पर महंगा ही क्या, इतना प्रॉफिट नहीं होता चीज़ों में, और हमने बिल्कुल मुनासिब रेट रखे हुए हैं, और साथ साथ डिस्काउंट भी देते हैं हम कस्टमर्स को, हमारे मुझे कस्टमर्स को। समद भाई 50 रुपये भाई, हमारा जो है ना ब्लॉग देख के आए हैं, तो आपने इनको कुछ कंसेशन देना है थोड़ा बहुत, इंशाल्लाह आप बताएं। ये तो देख के आए हैं, और अभी जो हमारा ब्लॉग बन रहा है, जो व्यूअर देख रहे हैं वो भी देख के आएंगे तो क्या होगा? बच्चों का 50 रुपये कर देंगे आप रियायत, या कोई कंसेशन होगा? वैसे तो हमने बिल्कुल रियायत वाले रेट्स लगे हुए हैं, फिर भाई हम ऐसे कुछ शॉपिंग करते हैं तो बिल्कुल हम इनके डिस्काउंट भी देंगे इनको साथ साथ। व्यूअर ये हमारे समझ भाई कह रहे हैं कि आपको डिस्काउंट मिलेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है?
सर। और भाई इस दफ़ा रेट्स क्या हैं बेजिस के, हम हर साल आते हैं आपके पास। ये 300 रुपये का है। इसका क्या दिया है? ये 300 रुपये का है। इसका क्या दिया है? ये 150 का है वीवर्स, ये 150 का है। और ये लब्बे क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी 300 का है। और मलिक साहब स्टिकर लेने, स्टिकर का क्या दिया है? 10 रुपये। अब ये बताएं हमारे व्यूवर्स के लिए, अब जो व्लॉग देख के आएगा तो उसको कुछ स्पेशल मिलेगा, कुछ कंसेशन? इंशाल्लाह व्यूवर्स कंसेशन मिलेगा आप सब। अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? सब ठीक है। इस दफ़ा रबी अव्वल की आमद आमद है माशाल्लाह, माशाल्लाह से बेजेस बहुत प्यारे लाए हैं। हम थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं, देखने वालों को। शाह साहब इसका क्या दिया है? इसका जो है 180 रुपये दिया है, डिस्काउंट के साथ 150 दे रहे हैं। 150। और इसका 350 रुपये है डिस्काउंट के साथ। और इसका 200 रुपये है डिस्काउंट के साथ 150 है। अच्छा। और ये जो फ्लैश है 420 रुपये का, डिस्काउंट के साथ 380 रुपये का। मलिक साहब व्यूवर्स को बताएं कि शाह साहब माशाल्लाह व्लॉग देख के आने वालों को बहुत ज़्यादा बेहतर रेट पे दे रहे हैं भाई, डिस्काउंट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह होलसेल रेट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक शाह साहब को बरकत दे। ₹10,000 माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है आपकी। तो अब आप कहाँ लेके जा रहे हैं? नई कराची। न्यू कराची से आए हैं माशाल्लाह व्यूअर, ये न्यू कराची से आए हैं हमारे भाई। और माशाल्लाह ये नालन शरीफ लेके जा रहे हैं, सरकार की आमद का जश्न मनाए। क्या नाम है आपका? भाई आप हर साल माशाल्लाह आते हैं, तो इस साल कैसी है आपको रेट पे क्या है? हमारे भाई माशाल्लाह हर साल आते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, और हमारे भी
आज आने का मकसद ये था कि कराची की बहुत खूबसूरत मस्जिदों में से एक मस्जिद है जो हर साल रबी अव्वल पर सजाई जाती है और जिस चीज़ों में आप देख रहे हैं हर साल भाई को भी इजाज़त देंगे ज़्यादा। अभी मैं यहाँ पे नुमाइश पे मौजूद था, ये गुरु मंदिर पे मस्जिद है कंजुल ईमान, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक हमारा बहुत पुराना दोस्त मिल गया है, गुलाम मुर्तजा, ठीक है। तो ये क्या करने आया अब ये खुद ही बताएगा, ये बता भाई। अस्सलाम वालेकुम, दुआत, मेरा नाम गुलाम मुर्तजा है और मैं इधर ताज चप्पल एक्सप्रे में काम करता हूँ, ठीक है। तो आज रबी अव्वल का मैंने बाहर देखा ना, तो काफ़ी लोग आ रहे थे जा रहे थे, तो मैंने अंदर से ड्यूटी वालों से पूछा कि क्या, तो उन्होंने कहा भाई रबी अव्वल की ड्यूटी चल रही है, रबी अव्वल की तैयारियां चल रही हैं और बहुत सारे लोग हैं वो घरों पे मिलाद करा रहे हैं, न्याज है वो दे रहे हैं, और आप इधर गुरु मंदिर की तरफ निकले तो वहाँ तो माशाल्लाह एक नज़ारा ही लगा। आप गुरु मंदिर क्या करने आए हैं? गुरु मंदिर ये माशाल्लाह मैं एक तो रहता हूँ इधर, अच्छा रहा, और सेकंड ये कि पहले तो मैं कभी नहीं निकला था, लेकिन आज मैं जब बात से उतरा हूँ ना, तो मैंने ये माहौल देखा, तो मैं इरादा ले लिया कि मैं जाऊँ और वहाँ का माहौल। चलो शुक्र है, कोई रोन के तो बाल होती हैं, सरकार का महीना है जी, बिल्कुल तो बस अल्लाह पाक हम सब पर रहम करे। अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कंजुल ईमान का, कंजुल ईमान कवर की कराची की बहुत ही पुर नूर और पुर सुरूर मस्जिद है, इतना खूबसूरत मंजर है और यहाँ की रौनकें भी हमने दिखाई अपने नाज़रीन को तौर पे। मुझे वैसे भी मैं तो आता हूँ हर साल, तो मैंने कहा अब हमने यूट्यूब चैनल बना ही लिया है, तो जहाँ जहाँ जाएँगे अब हम आपको लाजमी लेके जाएंगे, और आप अब तैयार रहें कि इंशाल्लाह ताला पहले कराची कवर करेंगे, फिर आस्ता आस्ता आगे भी सब चीज़ें दिखाते रहेंगे। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था लोगों का भी कराची के हिसाब से, कि जिस तरह कराची के हालात ख़राब हैं, लेकिन ये है कि माह नूर के जो महीने की आमद हुई है उस हवाले से बाबा मुझे नहीं लगता कि लोगों में कोई परेशानी, लोगों के चेहरों पर बहुत खुशी रोने की अल्हम्दुलिल्लाह सरकार का करम है। तो ये है कि जितने लोग आए हैं अच्छा मिला जुला रिस्पॉन्स था, कोई कह रहा है महंगाई हो गई, कोई कह रहा है नहीं, एक बंदा आया वो कहता है कि महंगाई हो गई है, हर किसी का एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बिल्कुल ये है कि रमज़ान की तरह जिस तरह रमज़ान में हर घर में फूड पहुंच ही जाता है, रबी अव्वल की भी बरकत से कहीं ना कहीं झंडे भी पहुंच ही जाते हैं, बैज भी पहुँच जाते हैं, बस सरकार का मिलाद हमेशा मनाते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आप भी मनाएं हम भी मनाएंगे, और यहाँ आके ख़रीदारी करें, बहुत अच्छे प्राइस हैं यहाँ के भी। और ये मस्जिद लाजमी देखने आइएगा, ये बहुत प्यारा मंजर है यहाँ पे, बहुत प्यारा बहुत प्यारा। चलें फिर इसके साथ ही आज हम अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं, क्या कहते हैं बाबा? बिल्कुल, इजाज़त दें दुआओं के साथ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।